राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। समारोह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि सरकार ने 2030 तक 32 से 35% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि उजाला योजना सहित अन्य कदमों से इसमें कमी आई है। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को दिखाना है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईवी यात्रा पोर्टल को भी लॉन्च किया। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार, राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में कार्यक्रम आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण पर इस दौरान बल दिया। बच्चों को पुरस्कृत करने के साथ साथ उनसे हमें सीखना भी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण में सांस लेने, प्रगति करने और स्वस्थ जीवन बिताने की परिस्थितियां सुनिश्चित करना हम सब की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं कि महानगरों में प्रदूषण के कारण छोटे छोटे बच्चों को फफड़े और सांस लेने से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साफ सुथरी हवा में सांस ले पाना एक न्यूनतम मानवाधिकार है। पर्यावरण की रक्षा से ही अनेक मानवाधिकारों की रक्षा संभव हो सकेगी। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करने की संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण वैश्विक प्राथमिकता भी है और हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता भी है। यद्यपि भारत द्वारा किया जा रहा है प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और जीएचजी एमिशन वर्ल्ड एवरेज के एक तिहाई से भी कम है, फिर भी एक जिम्मेदार देश के रूप में भारत पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दे रहे हैं, नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मानकों तथा पेरिस एग्रीमेंट के तहत नवीकरण ऊर्जा क्षमता की अपनी कुछ प्रतिबद्धताओं को भारत ने नियत अवधि से पहले ही प्राप्त कर लिया है। COP26 में विश्व समुदाय से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने का अनुरोध करते हुए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अर्थात लाइफ का संदेश दिया था। भारतीय संस्कृति और परंपरा में लोगों की जीवन शैली हमेशा लाइफ के उस संदेश के अनुरूप ही हो रही है। प्रकृति का सम्मान करना, प्राकृतिक सामग्री का अपव्यय ना करना और प्राकृतिक संपदों को बढ़ाने के उपाय करना ऐसी जीवन शैली का अभिन्न अंग होता है। भारत की अग्रणी भागीदारी के साथ पूरा विश्व समुदाय ऐसे जीवन शैली अपनाने के लिए आगे बढ़े, यही भारत का विश्वव्यापी प्रयास है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श के अनुसार वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के थीम को अपनाया है तथा हम इसे विश्व पटल पर प्रसारित भी कर रहे हैं।